सब्सक्राइब करें पीके के जुगाड़ को और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए इस घंटे पर उंगली कर दें। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रवीण कुमार और आप देख रहे हैं पीके के जुगाड़। दोस्तों यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जो भी मेरी वीडियो होगी वो आपके पास आएगी, सबसे पहले आप उसका मजा ले पाएंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको वीडियो एडिटिंग ऐप के बारे में बताऊंगा जिससे आप अपनी वीडियो को एक प्रोफेशनल तरीके से एडिट कर सकते हैं और एडवांस लेवल की वीडियो आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। दोस्तों जिन एप्लीकेशन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ उनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन वे सारी ऐप पेड होंगी, क्योंकि जो फ्री वर्जन होता है दोस्तों उसमें फीचर अच्छे नहीं होते हैं और वाटरमार्क भी लगे होते हैं। तो यदि आपको वहाँ से फीचर लेने पड़ते हैं, खरीदने पड़ते हैं, तो उसके लिए आपको पैसा भरना पड़ता है। तो इसलिए मैंने आपको पेड वर्जन फ्री में देने की सोची है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दिया है, वहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों डाउनलोड होने में हो सकता है कि कुछ एरर आए, तो प्लीज दोबारा आप ट्राई करिएगा और वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना किसी बीसी के। दोस्तों नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। नंबर 5 पर आती है फिल्मोरा गो। ये ऐप वीडियो एडिटिंग के लिए सही है, अच्छी है, ठीक है। और मैं इसमें आपको वीडियो एडिट करके दिखा देता हूँ मोटा मोटी, केवल आपके आईडिया के लिए, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए। इसमें से कोई भी एक वीडियो, सॉरी दो वीडियो मैं ऐड कर लेता हूँ। सबसे पहले इसमें हम देखते हैं थीम्स। थीम्स पर जाएंगे। थीम्स में आपको इस तरह के इफेक्ट आपको मिल जाएंगे। ये थीम्स हैं, ये थीम्स आप यूज कर सकते हैं। और म्यूजिक है, आप इसमें म्यूजिक ऐड कर सकते हैं, आप अपना भी म्यूजिक इसमें ऐड कर सकते हैं जो कॉपीराइट ना हो किसी का। और ट्रांजिशन में देख लेते हैं ट्रांजिशन में क्या क्या है। दोस्तों ट्रांजिशन होता क्या है, ट्रांजिशन वो होता है जो दो क्लिप के बीच में दोनों वीडियो को जोड़ता हो। जैसे आपने बहुत सी वीडियो देखी होगी कि दो क्लिप होती हैं और जब दूसरी स्टार्ट होती है तो बीच में कुछ ट्रांजिशन उन्हें जोड़ देते हैं, जैसे कि मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ। ऑलरेडे इसमें दो क्लिप है और ये देखिए, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें। ये इफेक्ट्स हैं, वीडियो पसंद आई हो इस तरह से दूसरी वीडियो को जोड़ रही है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और प्लीज मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसमें आप वीडियो को क्रॉप कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। एडिट टूल्स में देख लेते हैं, वीडियो को ट्रिम कर सकते हैं, सबटाइटल डाल सकते हैं, पीआईपी, मतलब पीआईपी का ये मतलब होता है कि आप वीडियो के ऊपर कोई फोटो आप ऐड कर सकते हैं, अपना लोगो यहाँ पर लगा सकते हैं इस तरह से। जैसे मैं इसमें अपना लोगो इसमें लगा देता हूँ वीडियो में, तो देखिए यहाँ पर मैंने ये अपना लोगो लगा दिया है वीडियो का पीआईपी से, ठीक है। और आप वॉइस ओवर इसमें अपना वॉइस को डब कर सकते हैं, ऑडियो मिक्सर, आप इसमें वीडियो और जो आप इसमें जो आपने इसमें डब किया है उसे आप मिक्स कर सकते हैं, वॉल्यूम को घटा बढ़ा सकते हैं। फिल्टर्स हैं इसमें दोस्तों, फिल्टर्स भी इसमें काफ़ी सारे हैं, ये देखिए ये इफेक्ट आप देख रहे हैं। तो ये इसमें इफेक्ट्स हैं काफ़ी सारे। ओवरलेज हैं दोस्तों, ओवरलेज में देख लीजिए क्या क्या है। इस तरह के इफेक्ट आ रहे हैं दोस्तों ओवरलेज में। और एलिमेंट्स में देख लीजिए क्या क्या है। एलिमेंट्स और टाइटल इसमें डाल सकते हैं, स्पीड को आप बढ़ा, वीडियो की स्पीड को आप तेज कर सकते हैं, घटा सकते हैं, जैसे कि आपको चाहिए तो इस तरह से। मैं नॉर्मल कर देता हूँ। ये स्पीड है, आप वीडियो के फ्रेम को रोटेट कर सकते हो। ब्राइटनेस घटा बढ़ा सकते हैं, कंट्रास्ट बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, ठीक है।
और काफ़ी अच्छी वीडियो एडिटिंग ऐप है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले नंबर पर, ठीक है, मतलब नंबर चार पर। देखते हैं नंबर चार पर कौन सी ऐप है। दोस्तों नंबर चार पर आती है वीडियो शो वीडियो एडिटिंग ऐप। ये बहुत ही अच्छी एक वीडियो एडिटिंग ऐप है और इसे आप अपने वीडियो को भी प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं, अपने वीडियो को अच्छा बना सकते हैं। इसमें क्या क्या फीचर हैं, इसमें आप देख पा रहे हैं अल्ट्रा कट है, ठीक है, क्यू ट्रिम है, कंप्रेस है, मतलब अल्ट्रा कट से आप जल्दी वीडियो काट सकते हैं, ट्रिम कर सकते हैं, और वीडियो का जो साइज़ है उसे आप कंप्रेस कर सकते हैं। मतलब कि जैसे कि 720 मेगापिक्सल की कोई वीडियो है तो आप उसको 320 में 480 में कर सकते हैं कन्वर्ट, और वीडियो से MP3 भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप मतलब वीडियो एडिट कैसे कर सकते हैं। वीडियो एडिट में जाएंगे, कोई भी दो क्लिप इसमें हम ऐड कर लेते हैं। सब्सक्राइब करें, ये मैंने दो क्लिप इसमें ले ली है। इसमें आप देखिएगा थीम किस तरह के हैं। ये आप देख पा रहे हैं जैसे कि माय वीडियो लिखा रहा है वीडियो से पहले, तो यहाँ पर आप अपनी वीडियो को कोई भी टाइटल दे सकते हैं। आपने बहुत सी वीडियो देखी होगी तो मैं यहाँ पर देखता हूँ, ठीक है, के जुगाड़, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर मेरी वीडियो को टाइटल लगा के जुगाड़। तो चेंज इसमें काफ़ी अच्छे हैं दोस्तों, और इसमें आप वीडियो क्लिप एडिट कर सकते हैं, ट्रिम कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, वीडियो की आप स्पीड बढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं, वीडियो को रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है, और सब टाइटल डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप हिंदी बोल रहे हैं तो उसको आप नीचे उसका ट्रांसलेट करके इंग्लिश में आप में सब टाइटल दे सकते हैं, और इफेक्ट्स आप इसमें दे लेते हैं कैसे किस तरह के इफेक्ट्स हैं। ये देखिए इसमें इफेक्ट काफ़ी अच्छे अच्छे दिए गए हैं दोस्तों, देखिए। काफ़ी अच्छे अच्छे इफेक्ट्स हैं इसमें, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ केवल एक आइडिया के लिए। सब्सक्राइब करें बीके के जुगाड़, और इसमें जिस भी आप बना सकते हैं वीडियो का जिस बना सकते हैं। सब्सक्राइब करें बीके के जुगाड़ को, और सबसे पहले स्टिकर आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मेरा ये एक स्टिकर है, यहाँ पर मैं अपना लोगो दे सकता हूँ, ठीक है, गैलरी से लेकर यहाँ पर मैं कोई भी लोगो दे सकता हूँ अपनी वीडियो का, जैसे कि ट्रांजिशन में देख लेते हैं क्या क्या है ट्रांजिशन में दोस्तों। इसमें जैसे इफेक्ट काफी अच्छे अच्छे हैं, देखे कितने अच्छे अच्छे इफेक्ट हैं इसमें। दोस्तों सब्सक्राइब करें, काफी अच्छे इसमें इफेक्ट हैं, देखे ट्रांजिशन भी आप देख सकते हैं, देखे वॉइस ओवर। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसमें अपनी आवाज़ डब कर सकते हैं और इसमें साउंड इफेक्ट भी डाल सकते हैं, जैसे वीडियो में बहुत सी वीडियो में आपने देखा होगा, जैसे आपने बहुत सी वीडियो में देखा होगा कि हाँ कॉमेडी वीडियो उसमें हंसने की आवाज़ आती है, या बैकग्राउंड कोई भी साउंड मतलब कि इफेक्ट आपको दिखा देते हैं, जैसे कि हंसने की आवाज़, रोने की आवाज़, बिल्ली की या फिर जानवर की जगह भी मतलब इस तरह के इफेक्ट आते हैं, तो यहाँ से आप इफेक्ट डाल सकते हैं। एनिमल्स ये देखिए, एनिमल्स की काफ़ी उसमें आवाज़ है, ठीक है, हुमेंस की भी है, हंसने की आवाज़ है, लाफिंग की, छींकने की बात, रोने की बात, तो काफ़ी अच्छी इफेक्ट है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं, और यूट्यूबर के लिए काफ़ी अच्छी ऐप है। सब्सक्राइब कर, मतलब वीडियो एडिट करते समय कुछ भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, कहीं पर भी इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें, फिल्टर भी इसमें काफ़ी हैं, आप फिल्टर देखिए किस तरह के फिल्टर हैं इसमें, बहुत अच्छे अच्छे फिल्टर हैं, बहुत अच्छी ऐप है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यूट्यूब अगर कोई यूट्यूबर है उसके लिए तो ये काफ़ी अच्छी है। सब्सक्राइब करें बीके के जुगाड़ को। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको मोटा मोटी बता दिया, अब चलते हैं अपने अगले नंबर पर, नंबर तीन पर कौन सी ऐप आती है। नंबर तीन पर आती है वीवा वीडियो एडिटिंग ऐप। ये एप्लीकेशन भी काफ़ी अच्छी है एडिटिंग के लिहाज से, और दोस्तों अगर आप यूट्यूबर हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छी साबित होगी ये एप्लीकेशन। चलिए इसमें क्या क्या फीचर हैं वो इसमें देख लेते हैं। वैसे तो फीचर काफ़ी काफ़ी सारे हैं, लेकिन मैं आपको मोटा मोटी बता दूँगा। एडिट में जाएंगे और यहाँ से दो क्लिप कोई भी ले लेंगे, मैंने दो क्लिप यहाँ से ले लिया, सब्सक्राइब करें, और थीम्स देख लेते हैं थीम्स इसमें कौन कौन से हैं।
सब्सक्राइब करें दोस्तों। रामधन का थीम है और काफ़ी अच्छे अच्छे थीम्स हैं इसमें, कोई भी यूज़ कर सकते हैं और कोई भी अपने वीडियो को टाइटल दे सकते हैं, ऐसे इसमें थीम्स हैं। ठीक है, और ये भी देख लीजिए, इसमें भी आप अपने वीडियो को टाइटल दे सकते हैं। ठीक है, एडिट में जाएंगे, फिल्टर्स हैं, फिल्टर्स भी आप बहुत सारे हैं, बहुत सारे कोई भी आप इसमें फ़िल्टर दे सकते हैं। दिखा देता हूँ आपको एक फिल्टर, ये फिल्टर्स हैं दोस्तों, फिल्टर्स हैं, काफ़ी अच्छे फिल्टर्स हैं दोस्तों। चलिए बैक चलते हैं, इफेक्ट में देख लेते हैं, एफेक्ट्स में भी काफ़ी अच्छे अच्छे इसमें फीचर हैं। ये देखिए, आग आग का इसमें इफेक्ट्स है, इफेक्ट आप दे सकते हैं एक्शन का। ठीक है, बहुत सारे इसमें इफेक्ट्स हैं, इस तरह से आप कोई भी इफेक्ट दे सकते हैं। चलिए और देख लेते हैं, मल्टी म्यूजिक है, आप इसमें एक या दो से अधिक म्यूजिक लगा सकते हैं। ठीक है, ये पूरी लिस्ट यहाँ पर है इसके म्यूजिक की, लेकिन कॉपीराइट हो सकता है, आप अपना इसमें वो म्यूजिक डालेगा जो कॉपीराइट ना हो। ठीक है, और देख लेते हैं दोस्तों, साउंड इफेक्ट, इसमें आप अपने वीडियो में इसमें आप डबिंग कर सकते हैं दूसरी वीडियो को अपनी आवाज़ में, और इसमें साउंड इफेक्ट भी है, साउंड इफेक्ट जैसे कि ये, इस तरह के इफेक्ट हैं। जैसे आपने बहुत सी वीडियो में देखा होगा कि कोई कॉमेडी वीडियो, उसमें हंसने की आवाज़ आती है, कौवे की आवाज़ आती है, कोयल की आवाज़ आती है, मतलब बहुत से ऐसे इफेक्ट होते हैं, तो आप इस वीडियो से भी अपनी वीडियो में इस तरह के साउंड इफेक्ट लगा सकते हैं। ट्रांजिशन दिए हैं इसमें, ठीक है, ट्रांजिशन भी काफ़ी अच्छे अच्छे हैं दोस्तों, देख लीजिएगा, ये ट्रांजिशन इसमें दिए हैं, अच्छे हैं। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी ऐप है, ये भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं और अपनी वीडियो को अच्छी बना सकते हैं, और मैं भी इसी को ही यूज़ करता हूँ। और आते हैं अगले नंबर पर, नंबर दो पर कौन सी ऐप है देख लेते हैं। नंबर दो पर आती है पावर डायरेक्टर, ठीक है, साइबर लिंक पावर डायरेक्टर, इसका कंप्यूटर का एक सॉफ्टवेयर भी है दोस्तों, जो आपने यूज भी किया होगा और सुना भी होगा उसका नाम, साइबर लिंक पावर डायरेक्टर, तो ये उसी की एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन, जिससे आप अपने वीडियो को अच्छे से एडिट कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं इसमें क्या क्या फीचर है, कोई भी दो क्लिप इसमें ऐड कर लीजिए, ये मैंने दो क्लिप इसमें ऐड कर लिया। दोस्तों ये यहाँ से आप, ये PIP होता है, यहाँ से आप वीडियो लगा सकते हैं, इमेज लगा सकते हैं, स्टिकर लगा सकते हैं, टाइटल ले सकते हैं, मतलब अपनी वीडियो के ऊपर, कैसे जैसे मुझे कोई इसमें वीडियो ऊपर से लगानी हो, तो यहाँ से वीडियो कोई भी एक वीडियो मैं यहाँ से ले लूँगा। ठीक है, जैसे ये देखिए दोस्तों, तो आप कोई भी वीडियो ऊपर से लगा सकते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, और इफेक्ट इसमें आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये इफेक्ट मैं यहाँ पर लगाकर आपको दिखाता हूँ, ये देखिए इफेक्ट, ये इफेक्ट का इफेक्ट है दोस्तों, अब मैं यहाँ पर भी एक इफेक्ट लगाकर देखता हूँ। ठीक है, ये इस तरह का इफेक्ट है वीडियो में। ठीक है, और भी इसमें बहुत से फीचर हैं दोस्तों, काफ़ी अच्छी ऐप है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप यूट्यूबर हैं तो आपके लिए ये हेल्पफुल होगी, और अपने वीडियो को एक एडवांस लेवल की वीडियो बना सकते हैं। और चलते हैं अगले नंबर पर, नंबर एक पर कौन सी ऐप है देखते हैं। नंबर एक पर आती है काइन मास्टर एप्लीकेशन या किने मास्टर एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन जितने भी मैंने अभी आपको वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन बताई है या अभी प्रेजेंट टाइम में जो भी वीडियो एडिटिंग ऐप है, उन सबका पिताजी है या बाप है, क्योंकि दोस्तों इस एप्लीकेशन के माध्यम से आप अपनी वीडियो को एक एडवांस लेवल की वीडियो बना सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। और यदि आप एक यूट्यूबर हैं तो आपके लिए ये एप्लीकेशन काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए इसमें देख लेते हैं क्या क्या इसमें फीचर हैं। MT प्रोजेक्ट में जाएंगे,
मीडिया ब्राउजर में जाएंगे और यहां से हमें एक बैकग्राउंड लेना है, तो हम बैकग्राउंड लेंगे, इस बैकग्राउंड को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, ठीक है। और यहां पर एक वीडियो क्लिप हमें लेनी होगी, ठीक है। यहां से हम इसको लॉक कर देंगे, लेयर में जाएंगे, वीडियो में जाएंगे और यहां से एक वीडियो क्लिप ऐड कर लेंगे, ठीक है। और अब सबसे पहले इसमें जो महत्वपूर्ण जो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है वो मैं इसमें दिखाऊंगा आपको, बाकी तो और वीडियो में आपने देख लेंगे उसमें वैसा ही फंक्शन है, फीचर है, लेकिन जो इसमें सबसे अलग करता है वो फीचर मैं आपको दिखाऊंगा। वीडियो टाइमलाइन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। इसमें आप देख रहे हैं ये क्रोमा की पर क्लिक करेंगे, ठीक है, इसको एनेबल करेंगे। ये फीचर सबसे अलग है इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ अच्छे से, और बाकी तो आप इसमें अपना आप देख लेंगे कि इसमें क्या क्या फीचर है, क्योंकि पीछे मैंने जो फीचर आपको बताए हैं वो इसमें भी हैं, ठीक है। तो मैं इसमें क्रोमा की दिखा देता हूँ। दोस्तों मेरा बैकग्राउंड आप देख रहे होंगे, ठीक है, लेकिन अब इसमें मैं अपना बैकग्राउंड हटाकर दूसरा बैकग्राउंड डालूंगा जो मैंने इसमें लगाया है, ठीक है, वीडियो में। इसको पहले हम ये आप कलर देख रहे हैं सर, ये की कलर आप देख पा रहे हैं येलो यहाँ पर लगा हुआ है, तो हमारा जो बैकग्राउंड है थोड़ा लाइट ब्लू सा है, तो हम इसमें लाइट ब्लू ऐड कर लेंगे, ठीक है। लाइट ब्लू ब्लू ऐड करने के बाद हमें यहाँ से इसको एडजस्ट करना है यहाँ पर, ठीक है, और ये यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। तो मेरा जो वीडियो का बैकग्राउंड था वो हटकर दूसरा जो मैंने बैकग्राउंड लगाया था अलग से, एक फोटो लगाई थी, वो बैकग्राउंड आ गया है, ठीक है। अब इसको प्ले करके देखते हैं किस तरह से लगता है। दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और प्लीज मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, नमस्कार। तो दोस्तों आपने देखा, ये तो मैंने आपको एक डेमो दिया है, अच्छे से आप कर सकते हैं, मेरे से भी अच्छा भी कर सकते हैं। और मेरा जो बैकग्राउंड था वो भी थोड़ा ख़राब था। अगर आपको प्रोफेशनल लुक देना है तो अपने वीडियो में बैकग्राउंड में ग्रीन कलर रखिएगा, ग्रीन एक कर्टेन आता है, पर्दा आता है, वो लगाकर आप कोई सा भी बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं क्रोमा की हेल्प से, ठीक है। और इसमें जब भी आप वीडियो बनाएं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सेटिंग में जाकर, ऑडियो में जाकर, यहाँ पर ऑडियो फेड आउट लिखा हुआ तो इसको हमें ऑफ कर देना है। इससे क्या होगा कि आप जो बोलेंगे और एंडिंग में जब आपकी वीडियो होगी तो आप जो बोलेंगे वो फेड नहीं होगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया दोस्तों।